बोलो बोलो सियावर रामचंद्र रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। कल कल हमने हमने सुना सुना कि श्री कि श्री दशरथ जी दशरथ जी महाराज के महाराज के सामने सामने ऐसी ऐसी कठिन कठिन विपरीत विपरीत परिस्थिति परिस्थिति आकर के आकर के उत्पन्न उत्पन्न हो हो गई गई कि है। उसने देखो, देखो आप और आप और हम जो हम जो हैं हैं बड़े बड़े सौभाग्यशाली हैं सौभाग्यशाली जो हैं जो मानव मानव शरीर शरीर मिला मिला है, है और और उसके उसके उपरांत उपरांत हम हम लोग लोग संतों के संतों के सानिध्य में सानिध्य रहते में हैं। हैं। तो तो हानि हानि लाभ लाभ जीवन जीवन मरण मरण यश यश अपयश अपयश ये ये सभी सभी तो तो परमात्मा परमात्मा के के हाथ हाथ में में है, हैं, काल के काल हाथ के में हाथ है। में। उस उस समय समय उस उस काल काल से से परमात्मा ने परमात्मा भी ने भी अपने आप अपने को आप को नहीं नहीं बचाया। बचाया। राजा राजा दशरथ दशरथ जो जो स्वयं स्वयं परम परम पिता पिता परमेश्वर परमेश्वर श्री श्री रघुनाथ रघुनाथ जी जी महाराज के महाराज के पिताजी पिताजी थे, थे, उन्हें उन्हें भी भी इस इस प्रकार प्रकार से से कष्ट कष्ट को को झेलना झेलना पड़ा। पड़ा। ऐसी 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 दुविधाएं दुविधाएं आ आ गई गई जिनको जिनको प्राप्त प्राप्त करके करके उन्हें उन्हें अपने अपने प्राणों प्राणों को को छोड़ना छोड़ना पड़ा। पड़ा। लेकिन लेकिन फिर फिर भी भी राम राम को को नहीं नहीं छोड़ा। छोड़ा। हमें भी हमें भी हमारे हमारे जीवन जीवन में में इतनी इतनी दृढ़ता दृढ़ता रखनी रखनी चाहिए, चाहिए, परमात्मा परमात्मा के के प्रति प्रति विश्वास विश्वास रखना रखना चाहिए चाहिए कि कि वह वह जो जो कुछ कुछ कर कर रहा रहा है है हमारे हमारे लिए लिए हमारे हमारे अनुकूल अनुकूल ही ही कर कर रहा रहा है। है। हमें हमें क्या क्या करना करना है है कि कि हमें हमें नित्य ही नित्य ही परमात्मा परमात्मा के के पास पास बैठ बैठ करके करके उनको उनको धन्यवाद धन्यवाद देना देना है। है। धन्यवाद धन्यवाद किस किस बात बात का का कि कि प्रभु प्रभु आपने आपने हमें हमें मानव मानव तन तन दिया, दिया, सर्वांग सर्वांग पूर्ण पूर्ण बनाया, बनाया, उचित उचित परिवार परिवार में में हमारा हमारा जन्म जन्म हुआ, हुआ, अच्छे अच्छे संस्कार संस्कार मिले, मिले, हमारी हमारी वैदिक वैदिक संस्कृति, संस्कृति, हम हम वेद वेद और और गीता गीता रामायण रामायण इन इन सब सब से से जुड़े जुड़े हुए हुए हैं, हैं, ये ये हमारे हमारे बड़े बड़े सौभाग्य सौभाग्य हैं। हैं। यह यह जीवन जीवन तो तो आपने आपने दिया दिया है, है, इसका इसका पालन पालन भी भी आप आप ही ही करेंगे। करेंगे। हम हम दुनिया दुनिया में में किसी किसी का का जी जी न न दुखाएं, दुखाएं, अपने अपने कर्मों कर्मों को को ईमानदारी ईमानदारी से से करते करते हुए हुए अपने अपने और और अपने अपने कुटुंब कुटुंब का का पालन पालन करें। करें। बाकी बाकी सारा सारा काम काम भगवान भगवान पर पर छोड़ छोड़ दे दे में में तो तो अपना अपना सभी सभी काम काम परमात्मा परमात्मा आनंद आनंद से से संपन्न संपन्न कर कर देते देते हैं। हैं। सुख सुख और और दुख दुख तो तो आते आते जाते जाते रहते रहते हैं। हैं। धर्म धर्म धुरंधर धुरंधर धीर धीर धरी, धरी नयन नयन उघारे उघारे राय, राय, सिरु सिरु धुनि धुनि लीन ही लीन ही उसास उसास असी, असी, मारिसी मारिसी मोहि मोहि कुठाए। कुठाए। कि इस तो इस पापिनी पापिनी ने ने मुझे मुझे बड़े बड़े ही ही कुठोर कुठोर मारा मारा है, है, मेरी मेरी ऐसी ऐसी परिस्थिति परिस्थिति हो हो गई गई है है जिससे जिससे बच बच निकलना निकलना मेरे मेरे लिए लिए बड़ा बड़ा मुश्किल मुश्किल है। है। आगे आगे दी दी की की जरत जरत ऋषभारी, ऋषभारी, मनहु मनहु रोष रोष तरवारी तरवारी उघारी, उघारी, मुट्ठी मुट्ठी कुबुद्धि कुबुद्धि धार धार निटुराई, निटुराई, घरी घरी कुभरी कुभरी सान सान बनाए। बनाए। प्रचंड प्रचंड क्रोध क्रोध से से जलती जलती हुई हुई वह वह केकई केकई सामने सामने इस इस प्रकार प्रकार से से दिखाई दिखाई पड़ी पड़ी कि कि मानो मानो क्रोध क्रोध रूपी रूपी तलवार तलवार मयान मयान से से बाहर बाहर निकाल निकाल करके करके खड़ी खड़ी कर कर दी दी गई गई हो। हो। और और उस उस तलवार तलवार की की जो जो मूठ मूठ है है वह वह कुबुद्धि कुबुद्धि है, है, और और उस उस तलवार तलवार की की धार धार जो जो है है वह वह रानी रानी केकई केकई की की निष्ठुरता निष्ठुरता है। है। और और देखो, देखो, जिससे जिससे तलवार तलवार की की धार धार को को तेज तेज किया किया जाता है जाता है उसे उसे शान शान कहते कहते हैं। हैं। तो उस उस धार धार को को तेज तेज करने करने वाली वाली कौन, कौन, मंथरा। मंथरा। तो तो वह वह कुबरी कुबरी मंथरा मंथरा रूपी रूपी शान शान पर पर उस उस धार धार को को तेज तेज किया किया हुआ हुआ है। है। राजा राजा ने ने देखा देखा कि कि यह यह तलवार तलवार बड़ी बड़ी ही ही भयानक भयानक और और कठोर कठोर है, है, और और सोचा सोचा कि कि क्या क्या सत्य सत्य ही ही यह यह मेरा मेरा जीवन जीवन ले ले लेगी। लेगी। राजा राजा अपनी अपनी छाती छाती को को कड़ी कड़ी करके करके बड़ी बड़ी नम्रता नम्रता के के साथ साथ केकई केकई को को प्रिय प्रिय लगने लगने वाली वाली वाणी वाणी से से कहते कहते हैं, हैं, प्रिया प्रिया बचन बचन कस कस कहसि कहसि कुभाति, कुभाति, भीर भीर प्रतीति प्रतीति प्रीति प्रीति करिहाति, करिहाति, मोरे मोरे भरतु भरतु राम राम दुई दुई आखी, आखी, सत्य सत्य कहूँ कहूँ
करि संकरु साखी। तो हे प्रिय, हे वीरु, तुम विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन क्यों कह रही हो? तुम तो जानती हो कि मेरे तो भरत और रामचंद्र दोनों ही मेरे नयन हैं, एक जैसे हैं। यह मैं भगवान शंकर की साक्षी दे करके तुम्हें सत्य कहता हूं। अच्छा, जो तुम चाहती हो तो मैं अवश्य ही सवेरे दूत को भेजूंगा, दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। तो अच्छा दिन शुभ मुहूर्त देख करके मैं भरत को राज्य दे दूंगा। और तुम तो जानती हो लोभुन राम ही राज कर बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट विचार जिए करत रहूं नप नीति। अरे, राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर राम को इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। बस मैंने ही अपने मन में बड़े और छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था तो बड़े को राजतिलक देने जा रहा था। सुनो, मैं तुम्हारी शपथ खा करके कहता हूं। क्या कहता हूं? राम शपथ सत कहूं सुभाव, राम माथु कछु कहे हुन काओ, मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, तेहि ते परे वो मनोरथ छूचे। मैं राम की 100 बार सुगंध खा करके स्वभाव से ही कहता हूं कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझे कुछ भी नहीं कहा। हाँ, इतना अवश्य है कि मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से यह मेरा मनोरथ खाली जा रहा है। अब सुनो प्रिया, तुम क्रोध को छोड़ दो और मंगल साथ सजाओ। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लग रहा है कि तुमने ये जो दूसरा वरदान मांगा है बड़ा ही अड़चन वाला मांग लिया है। उस वचन को सुनकर के अजहु रदव जरत तेहि आचा, रिस परिहास की साचे हु साचा, कहू तजिरो सुराम अपराध, सबको कह ही राम सुठी साधु। उस वचन की आज से अभी भी मेरा हृदय जल रहा है। क्या तुम यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा वास्तव में कह रही हो? हे प्रिया, तुम अपने क्रोध को त्याग करके मुझे राम का अपराध तो बताओ। हर कोई कहता है कि राम तो बड़े ही साधु हैं, राम का स्वभाव बड़ा ही सरल है। अरे, औरों की बात क्या, तुम तो खुद कहती हो तू हु सराहसी करसी स्नेहु, अब सुनि मोहि बयउ संदेहु। तुम स्वयं भी राम की सराहना करती हो और उन पर स्नेह किया करती थी, लेकिन अब मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं। क्योंकि जासु सुभाव अरिहि अनुकूला, सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला, जय सिया राम जय जय सिया राम। अरे, जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है वह अपनी माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा? हे प्रिय, प्रिया हास रिस परिहरही, मागु बिचारि विवेकु, जहि देखो अब नयन बरी, भरत राजे अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ देवे, थोड़ा सा विवेक धारण करो, उचित अनुचित विचार करके वर मांगो, जिससे क्या होगा कि मैं भरत का राज्याभिषेक देख सकूंगा, नहीं तो हो सकता है मेरे प्राण चले जाए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।